Hello everyone, I am Nansar and you are watching Go Turtle Biology. Previously, we had discussed about uh, cell structure and function part 1, in which uh, NCRT 8.1 and 8.2 were completed. So, I would like to say that in this video, you will be getting a complete detailed study of NCRT along with highlights of essential or important questions. You will feel like you are getting all the images or notes. ऑफ़ एसेंशियल और यू कैन से अनडिसक्राइब्ड पॉइंट्स फ्राम एन सी इसमें मैंने वो सारे पॉइंट्स इमेज और एसेंशियल हाईलाइट्स रखे हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको कोई विशेष रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होगी तो चलो बच्चों एन सी आर टी का पोस्टमार्टम करें सो लेट स्टार्ट विथ एट पॉइंट थ्री एन ओवरव्यू ऑफ सेल मैंने इस को चार सेक्शंस में बांटा है राइट uh, right. But before starting it, I also want to mention that you people should get through uh, thoroughly the NCRT so that it will help uh, to read individual lines very quickly. So let me say that uh, jo ye pehla section of the this section hai, it is telling about plant and animal cells, the difference about plant and animal cells. जिसमें कि वो एक ओनियन पील और एक ह्यूमन चीक सेल्स के सहारे आपको बताना चाहता है कि डिस्टिंक्टिवली प्लांट्स में जो सेल वॉल एक बाउंड्री होता है वेरियज एनिमल्स में वो लैक होता है और यहाँ पे डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है बाउंड्री स्ट्रक्चर ऑफ द सेल और जो कि डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर इन केस ऑफ एनिमल सेल दैट इज ह्यूमन चीक सेल टेकन दैट इज सेल मेम्ब्रेन and as we have discussed earlier that uh, dna or the genetic material is uh, the replication of genetic material is the first character in which we can say that the cell is leaving right so it is also uh, wants to describe about that and next uh, para दैट इज सेल्स हैव मेम्बर इन बाउंड न्यूक्लिया ई आर कॉल्ड यू केरियोटिक सेल्स इट जस्ट ट्राई इट इज जस्ट ट्राइंग टू टेल प्रायर डिफरेंस बिटवीन द प्रोकेरियोटिक सेल्स एंड यू केरियोटिक सेल्स अलॉन्ग विथ इट एक सेमी फ्लूड मैट्रिक्स के बारे में बता रहा है कॉल्ड साइटोप्लाज्म जो साइटोप्लाजम होता है साइटोप्लाजम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सेल जो सेल के मेटाबॉलिज्म यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस को अकर होने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है अलोंग विद द सो यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिखा गया है वेरियस केमिकल्स इन द सेकेंड पैरा वेरियस केमिकल्स रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट द थर्ड पैरा इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट वॉट इज द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ यू सेल लाइक यू केरियोटिक सेल यानी यू का मतलब होता है डिवलप्ड केरियस यानी न्यूक्लियस जो कि हम आगे स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं दे डू कैरी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जैसे कि यू जो कि डिवलप्ड न्यूक्लियस है यानी उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेमब्रेन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है सिमिलरली यूकेरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड यानी ऐसे ऑर्गेनल्स या हम बोल सकते हैं ऑर्गेनल्स का मतलब ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ द सेल प्रेजेंट होते हैं जो या फिर मशीनरी ऑफ द सेल प्रेजेंट होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड भी होते हैं जैसे उनके एग्जांपल्स दिए गए हैं इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोसो माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोबॉडीज वैक्यूल्स बट वेर एज इन केस ऑफ प्रोकेरियोटिक सेल्स ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते एक एग्ज़ाम्पल है राइबोसोम्स जैसे कि आपको पता है मेरे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि राइबोसोम्स कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता लेकिन इनका बहुत ही वाइटल एक्शन है इवोल्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन राइबोजोम्स का ये है कि इन्होंने जो जेनेटिक मटेरियल बना था उसके उसको ट्रांसलेट किया कहने का मतलब ये है कि जेनेटिक मटेरियल्स के कोड को प्रोटीन में कन्वर्ट किया और ये जो आखिरी हाईलाइटेड पॉइंट है that is about uh, the ribosome and i think it becomes an important question because within the cell ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles that is chloroplast and mitochondria and on a rough endoplasmic reticulum i'll tell you about those in the next uh, video animal cells contain another non membrane bounded organelle called centriole which helps in cell division but plant cells do not have the centriole will राइट सो लेट्स मूव अहेड इन दिसड यू कैन सी देर अ क्लियर डिफरेंस एंड सिमिलरिटी बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल आप देख सकते हैं ओनियन पील सेल और ये जो एनिमल के चीक सेल्स हैं इन दोनों में सबसे डिस्टिंगटिव बात यह है कि ओनियन पील सेल जो है उसके क्लियर कट मेम्ब्रेन या डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर उसके सेल की बाउंड्री क्लियर कट दिख रही है और वो रिजिडिटी सेल वॉल के वजह से है यानी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वॉल इन द प्लान्टैल वेर एज एनिमल सेल में द सेल्स आर मर्स्ज एंड दे डू नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट और रिजिड सेल वॉल दैट मीन्स दे डू नॉट हैव सेल वॉल बट येस नो डाउट देर इज अ डी स्ट्रक्चर और वी कैन से अ बाउंड्री ऑफ द प्रोटोप्लाजम दैट इज सेल मेम्बरेन यहाँ पे दो कॉलम्स बनाए गए हैं डिफरेंसेस एंड कॉमन प्रॉपर्टीज बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल फर्स्ट इज़ अबाउट कॉमन प्रॉपर्टीज़ कुछ बेसिस बनाए गए हैं मेरे पूरे डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ में आपको बेसिस मिलेंगे इन द इन बिटवीन बेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज बाय विच द डिफरेंसेस आर मेड अगर आप इस तरह से इसको याद रखेंगे तो याद रखना ज़्यादा ईजी होता है ऑल्दो इट इज़ वेरी कॉमन इन नेचर सेल मेम्ब्रेन जो होता है दोनों में प्रजेंट है दिस इज सिमिलरिटी न्यूक्लियस दोनों में प्रजेंट है और बहुत ही क्लियर है एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम गोल्गी एंड राइबोसोम्स बिकॉज दोज़ आर eukaryotic cells so endoplasmic reticulum and Golgi both are present and as well ribosome vacuoles are present but yes no doubt the plant cells have large and few. You can see here this is a vacuole and this is very large but whereas in case of the animal cell there are few vacuoles and they are very minutely small and let's come to the next lysosome and mitochondria these are also membrane bounded organelles and uh, these are present in uh, plant cell but in a very less amount एंड वेर एज बिकॉज माइटोकॉन्ट्रिया जो होता है एनर्जी और पावर हाउस है विल बी सीइंग इट अ हैड इसका मेजरली प्रजेंट होना प्लान्ट में रिक्वायरमेंट कम है तो इसीलिए माइटोकॉन्ट्रिया कम होता है एंड एज कंपेयर टू द एनिमल सेल्स इन विच मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड बिकॉज एनिमल्स लोकोमोट फ्रॉम वन पोजिशन टू एन अदर पोजिशन सो हैंस द माइट्रोकॉन्ट्रिया इज मोर एंड साइटोप्लाजम ऑब्वियसली बोथ आर लिविंग इन नेचर दे नीड अ स्पेस टू परफॉर्म देअर बायो केमिकल रिएक्शन सोसाइट प्लाज इज प्रेजेंट इन बोथ वेर अगर आप डिफरेंसेज देखें सेलवॉल सेट प्रेंट प्लास्टीड्स डिस्टिंग ऑर्गेनल इट इज ओनली प्रेजेंट इन द्लान बट एबसेंट इन एनिमलोमेंट दैट इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द प्रीवियस एनसीआर टी एट पॉइंट थ्री ओवर व्यू एंड नेक्स्ट कमिंग टू इट सीलिया सीलिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है Uh, which actually helps in movement uh, movement in the sense locomotion from one position to another position so a plant cell jo hai, e, usme absent hota hai, and animal cell sorry it's uh, present and whereas if you see mode of nutrition um, that is uh, plants are do photosynthesis so they are uh, autotropic in nature and animals are heterotropic, plasmodesmata it's an interdigital connections between uh, uh, two cell um uh, in the plant because of the presence of cell wall there needs to be a interconnection between uh, the two uh, adjacent plant cell so that is a plasmodesmata and a tonoplast membrane present in the plant cell but whereas not in the animals we will discuss it later so next prokaryotic overview here is a prokaryotic cell or we can call it as a bacterial cell प्रो का मतलब ओल्ड होता है कैरियन का मतलब न्यूक्लियस ओल्ड न्यूक्लियस कहने का मतलब क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट दैट इज द न्यूक्लियर रीजन द न्यूक्लियस डो नॉट हैव इट्स ओन मेंब्रेन सो इट लैक्स न्यूक्लियर मेम्बरेन बट वेर इज देर इज अ सेल मेंबरेन नेम्ड हियर एज प्लाज्मा मेम्बरेन विच इज ऑल्सो सराउंडेड बाय टू मोर प्रोडेक्टिव लेयर्स बट वेर इज द प्रो कैरियोटिक सेल डो नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्बरेन But here, just for an overview, I would say ribosomes are present. You can see that food granules, a tail like structure which is called as flagella, which helps in the movement of the prokaryotic cell. Cytosol is that structure which is present, it is a fluid, semi fluid structure which is present in the cytoplasm of the prokaryotic cell. Most important is plasmid, that is DNA this plasmid dna which is the genetic material functional genetic material of a prokaryotic cell is called as extra chromosomal dna yani ek aisa dna apart from the chromosomal dna so here that's a question i think you know the answer you have the assignment what are the major difference between the prokaryotic cell and eukaryotic cell that's a hint for you that is you ka matlab hota had developed so moving to the next here term. mycoplasmas are uh, also prokaryotic cells they do not have nuclear membrane uh, but these also do not have cell wall Mycoplasmas are the smallest one among them, PPLO. We'll be studying it uh, in the next slide. That is, pleuro pneumonia like organisms that are the most smallest. Next is, largest single cell that is, ostrich egg. And you can see uh, very uh, pretty human red blood cells that is 7.0 micrometer in diameter. And these are uh, biconcave in nature and circular. Next is the longest cell, the nerve cell the mark right so moving next so this is uh, figure 8.1 that is showing different shapes of the cell cells are made up of uh, not only of different sizes but cells are also of different shapes you can see a red blood cell as well a white blood cell which fights for us in the blood and uh, which helps in killing the pathogens that enter into our body columnar cells, protective cells

होते हैं और ये ओवल शेप के होते हैं मेजोफिल का मतलब आपको पता ही होगा कि जो लीव्स होते हैं लीव्स के अंदर जहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है यानी जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये लीव्स के अंदर के सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड मेजोफिल सेल्स नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर एट पॉइंट टू यहाँ पे एक यूकेरटिक सेल की कंपेरिजन इट इज़ डन विथ अदर ऑर्गेनिजम्स नाउ टिपिकल यूकेरियोटिक सेल जो कि एक एवरेज 10 टू 20 माइक्रोमीटर्स का होता है जिसमें आपको थोड़ा सा बताते हैं यहाँ पे सेंट्रली दिस इज़ द न्यूक्लियर मेमब्रेन दिस द न्यूक्लियस विच इज़ प्रजेंट एंड सराउंडड बाईट दैट्स अ चैनल फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द सेल मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं एक चैनल है एक ट्रेन आउट हो रहा है समथिंग लाइक न्यूक्लियस कुछ बनाता होगा शायद और यहाँ से ये सबस्टेंसेज को कैरी करके बाहर की ओर यानी सेल के बाहर लेके जाता होगा तो ये जो चैनल है आई थिंक इट इज़ एंडोप्लाजमिक क्रिटिकुलम आई थिंक यस एंड नाउ दैट इज प्रूफ ऐसे होता है क्योंकि इसके चारों ओर आपको डॉट्स uh, दिख रहे हैं और ये डॉट्स जो हैं ये राइबोसोम के डॉट्स होते हैं एंड दैट इज प्रेजेंट इन द इंडो रेटिकुलम एंड इफ विल सी इफ़ यू कंपेयर इट विद द अदर वन राइट जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं आप इनके साइज़ेस को देखें कितने छोटे हैं ये 10 से बेस्ट टेन टू माइक्रोमीटर्स वेर एज दिज आर वन टू टू माइक्रोमीटर्स आई थिंक इट्स टू स्मॉल एंड इफ यूल सी द पी पी एल ओ इट इज़ आई थिंक द स्मॉलेस्ट वन राइट जीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है नहीं उससे नीचे वायरस भी है जो कि जीरो पॉइंट जीरो टू माइक्रोमीटर जीरो पॉइंट टू माइक्रोमीटर्स के होते हैं लेकिन मैं पी पी एल ओ को स्मॉलेस्ट बोलूंगा क्यों क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है एंड वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग सो वी के नॉट कंसिडर इट एज प्रोकेरियोड सो अगर प्रोकेरियोड्स के अंदर में देखा जाए और यू सेल्स के अंदर लिविंग सेल्स पी पी एल ओ इज़ द स्मॉलेस्ट वन next is major differences between prokaryotic and eukaryotic cell first criteria is nuclear membrane the nuclear membrane is not present in the prokaryotic cell but whereas what is perinuclear space it is the space surrounded by the nucleus actually this space is absent in prokaryotic cell because it is the space which is present in the nuclear membrane itself kehne matlab nuclear membrane is double membrane in eukaryotic cell सो देर इज़ एन आउटर मेम्ब्रेन एंड एन इनर मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं तो जाहिर सी बात है ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगा कमिंग टू नेक्स्ट राइबोसोम 70s एस इन टाइप इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड इन न्यूकेरियोटिक सेल इट इज़ एटी एस वेरी कॉम्प्लेक्स बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफ़िशेंट साइंटिस्ट जब ये ऑर्गेनल्स को सेल से आइसोलेट करते हैं तो उन्हें एक डिवाइस विच इज़ कॉल्ड ए सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूज से उस जो ऑर्गेनल्स है उसको सेपरेट करना होता है यहाँ पे राइबोसोम कितना फास्टर सेटल डाउन होता है टू द बॉटम ऑफ द सोल्यूशन ये तय करता है कि उसकी सेडिमेंटेशन कोफिशेंट कितना है यानी प्रोकैरियोटिक सेल सेवेंटी एस का होता है और यूकेरियोटिक सेल एटी एस का होता है यानी जो यूकेरियोटिक सेल के राइबोसोम हैं इसकी सेडिमेंटेशन स्पीड ज़्यादा है यानी एटी एस है और प्रोकेरियोटिक सेल का सेडिमेंटेशन स्पीड सेवेंटी एस है जो कि कम है यानी यूकेरियोटिक सेल राइबोसोम्स सेटल्स डाउन फास्टर सो नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गनल व्हिच इज एब्सेंट एंड हियर प्रेजेंट डीएनए एज आई सेड यू इट इज सिंगल सर्कुलर प्लाजे एंड हियर इट इज़ मल्टीपल बट लीनियर इन नेचर लीनियर यानी इट इज स्ट्रेट क्रोमोसोमल डीएनए एन क्रोमोसोमल डीएनए इट इज कंडेंस्ड एंड बाइंडेड बाय आर्कीटेक्चुर प्रोटीन्स एंड वेरेज कुछ ऐसे स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो यू सेल के डी को बाइंड करने में हेल्प करते हैं विल स्टडी इट इन द लेटर सिलेबस नाउ कमिंग टू द मल्टीप्लीकेशन रेट यानी रिप्रोडक्शन ऑफ द प्रोकेरियोटिक सेल It is small. Those cells are small, but it is, and rapid multiplication. But whereas eukaryotic cell, it is uh, multiply slowly uh, and except unicellular protist. Just in this slide, I have described different shapes of the bacteria, and there's a figure of blue-green algae. Uh, moving to the next slide. Now the overview ends here. Let's start 8.4 prokaryotic cell. इस पेज को मैंने थ्री इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया है फर्स्ट बॉक्स इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स और वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन नेचर आउट ऑफ विच फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर रॉड शेप स्पेरिकल शेप कॉमा शेप एंड स्पाइरल शेप सेकेंड बॉक्स एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल्यूलर कॉम्पोनेंट्स पहला कॉम्पोनेंट सेलवॉल

अब जब हम आते हैं किसी सेल के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी जेनेटिक मटेरियल जिसकी वजह से वो सेल की हेरिडिटी को कंटिन्यू किया जाता है तो सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे न्यूक्लियस होना चाहिए बट वेर इज द अपार्ट फ्रॉम द जीनोमिक जेनेटिक मटेरियल जीनोमिक डीएनए देयर इज़ वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए व्हिच इज स्मॉल सर्कुलर इन नेचर एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लाजमेड दिस प्लाज्ड हैज़ अ वेरी यूनिक एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर एंड इट प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया ये कौन सा कैरेक्टर है जो बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक्स को लेकर के ससेप्टेबल होते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक्स को लेकर के रेजिस्टेंस होते हैं तो ये कौन डिसाइड करता है ये उसके प्लाज्मे डिसाइड करते हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ़ द एंटीबायोटिक्स है वहाँ से किसी बैक्टीरिया की पहचान साइंटिस्ट करते हैं या रिसर्चर्स करते हैं राइट right. सो so, इसके बारे में हम हायर क्लासेस में यू विल लर्न दैट दिस प्लास्मिड डीएनए इज़ यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थर्ड पैराग्राफ इज़ ट्राइंग टू से वेरी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल ऑफ प्रोकैरियोट्स दैट इज़ मैसोसोम So, mesosome is a essential infolding of cell membrane. Let's see. This is the mesosome. The cell wall is present, and the inner part of the cell wall uh, there is a plasma membrane. And after the plasma membrane, you will see an infolding or extension of the plasma membrane. So, this is called as mesosome. It is present in different forms, sac-like in nature, tube-like in nature. That is a different uh, question. Now. Secondly, you can see the plasmid apart from the genomic DNA. There is a plasmid, and this is how a plasmid looks like small, circular, helical uh, uh, DNA. And the first paragraph or the first box was trying to explain about different types of uh, bacteria on the basis of its shape. This is coccus. When two coccus or spherical bacteria join together, they are called as diplococcus and when lot of uh, uh, coccus bacteria join together they are called as streptococcus next there is sarcina it is cuboidal in nature and uh, encapsulated diplococcus there is a capsule present with two uh, coccus bacteria staphylococcus is present it's like a pyramid a triangular shape टेट्राइड स्ट्रक्चर यानी चार आ, कोकस अगर होते हैं स्क्वायर शेप में सारसिना में क्यूबाइडल होता है और टेट्राइड आ, कोकस में स्क्वायर शेप होते हैं एंड बेसिलस अगर आप देखें तो इट इज़ रॉड लाइक बट सिमिलर टू द कोकस स्पेरिकल यानी ओवल हम बोल सकते हैं स्पेरिकल एज वेल एज इलोंगेटेड दैट इज कॉल्ड एज कोकोबैसिलस एंड रॉड शेप इट इज़ बैसिलस दो बैसिलस अगर होते सिमिलरली डिप्लो बैसिलस एंड पेलीसेड्स यानी एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ इट एंड स्ट्रेप्टोबैसिलस इज़ लीनियर ज्वाइनिंग ऑफ द बैसिली बैक्टीरिया नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट दिस इज कॉमा शेप और वी कैन कॉल इट एस विब्रियो बैक्टीरिया And uh, you can see a lot more bacterias are there, but we are talking about the spirochetes. You can see here, sometimes questions are being asked from here. Filamentous, these are spirulum form of bacterias. Yes, one more form is there that is called as helical form. It is very interesting because a lot of gastrointestinal diseases, uh, this Helicobacter pyl pylori is present. So that is helical form of bacteria. And there is a Corini bacteria, which is also club bacteria, uh, having a stalk over there. You can see her budding and appendages present in the bacteria like hyphae and stalk is also present in the bacteria. So uh, this was it. Next moving. Cell envelope is a coffee interesting uh, topic hai because here we are able to differentiate between gram-positive and gram-negative bacteria. We can see above that the cell envelope of a prokaryotic cell consists of 3 layered structure. The outermost is glycocalyx and then is the cell wall and then is plasma membrane which is the innermost one.

and pili helps in uh, pili or fimbriae they help in reproduction as well as for attachment even then second one is the cell envelope glycocalyx cell wall and the cell membrane which is the innermost cytoplasm uh, content uh, carries cell pool or the cytosol of the prokaryotic cell and then is the ribosome one of the most important organelle granules and uh, further that is nucleoid or chromosome आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलरली ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव पार्ट ऑफ एन सी आर टी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन सबके मन में आता है कि ये स्टेन प्रोसेस कैसे होते हैं तो अगर आप लैब्स में देखेंगे तो यहाँ पे चार स्टेप्स के थ्रू ग्राम स्टेनिंग को एक्सप्लेन किया गया है इनिशियली द ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज आर बिंग टेकन लाइक हियर द रॉड शेप बैक्टीरियाज एंड द कोकस और द स्पेरिकल शेप बैक्टीरियाज आर बिंग टेकन एंड अ क्रिस्टल वायलट डाई इज अप्लाइड दूसरी और आप देखें कि देर इज अ पर्पल डाई क्रिस्टल वायलेट डाई तो सेकेंड स्टेप में यू कैन ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरियाज आर स्टेन्ड पर्पल राइट बट इन द थर्ड स्टेप व्हेन यू वॉश इट विद द अल्कोहल देन वॉट हैपन्स द बेसिलस बैक्टीरिया और द रॉड शेप बैक्टीरियाज दे आर अनस्टेन्ड और डी स्टेन्ड राइट सो द Colored bacterias, which is purple colored bacterias, they are the gram-positive bacterias. But to in order to identify the bacteria, we need to stain them as well. So directly the safranin gets stained with the rod-shaped bacterias in the fourth, uh, fourth part. So after the application of the safranin, which is a counter stain, we are able to distinguish the, the pink bacterias or the rod-shaped bacterias, they are gram-negative in nature because they were not stained in the third step as you can see there right when the alcohol wash was there then the staining of the rod-shaped bacterias were uh, uh, washed out so here we come to understand that how is it possible that few bacterias get stained which are called as gram-positive bacterias and few bacterias do not get stained or get stained by the counter stain that is safranin yani which are pink कलर्ड इन नेचर सो दिस हेल्स एस टू डिफ्रेंशिएट एंड मेक्स अ दैट वट टाइप ऑफ बायोकेमिकल नेचर ऑफ द सेल इन्वेलप इज प्रजेंट इन दोज टू बैक्टीरिया सो वी आर कंपेयरिंग हीयर कि भाई ऐसा क्या होता है कि ग्राम नेगेटिव में स्टेन नहीं होता है और ग्रैम पॉजिटिव में स्टेन होता है चलो देखते हैं इफ़ यू सी बिलो द ग्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव एन एक्स्ट्रा आउटर मेम्रेन विच इज़ नॉट प्रजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो होता क्या है Crystal violet dye, which is also called as the gram stain dye, the purple dye, it gets absorbed in the peptidoglycan layer which is present in the gram positive bacteria and it gets stuck in the outer membrane of the gram negative bacteria and gets washed out in the third step. So, let's find out some major differences between the two types of bacteria. You can very clearly see here that the outer membrane is absent in gram positive, peptidoglycan layer is thick in gram positive and multi layered, and whereas here it is single layered. And the absent part of gram positive bacteria is lipopolysaccharide and the outer membrane. So, moving next, here you can identify on the basis of few important uh, components, we have classified gram negative and gram positive bacteria. सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑन दिस दैट द बेसिस इज क्रिस्टल वायल्ट विच इज कॉल्ड एज ग्रैम स्टेन जो कि ग्रैम नेगेटिव में देर इज नो सी वी नो सी वी का मतलब होता है नो क्रिस्टल वायल्ट स्टेन नो पर्पल स्टेन बट इन स्टेड आफ्टर इट इज़ बिंग वॉश्ड विद एल्कोहल द नेगेटिव बैक्टीरियाज आर डायरेक्टली स्टेनड पिंक ड्यू टू सेफरन इन वेर एज क्रैम पॉजिटिव बैक्टीरियाज आर सिम्पली स्टेन्ड पर्पल कलर And you can see there is a difference of outer membrane, lipopolysaccharide, and murine, which is also called as peptidoglycan or the content of the cell wall. It is multilayered in gram positive and absent, uh, sorry, single layered and thin in gram negative bacteria. Porins, it is uh, the uh, part of. Uh, uh, outer membrane which is i think not shown in the previous image but it is present in the gram negative in the outer membrane ticoic acid it is absent and present in the gram positive bacterias antibiotic susceptibility yes we can talk about this that uh, few gram negative bacterias are susceptible to the antibiotics like streptomycin chloro uh, chloramphenicol and tetracycline नाउ सच बैक्टीरियाज आर ससेप्टेबल इसका मतलब ये हुआ कि दीज आर सेंसिटिव टुअर्ड्स सच एंटीबायोटिक्स एंड वेर इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज आर ससेप्टेबल टुअर्ड्स पेंसिलिन एंड सल्फोनामाइड एग्जाम्पल्स आर क्लासीफाइड हियर वी कैन सी इट and further note it down if there is any query you can ask me in the comment section thank you so much hope you find it productive our next video will be on explanation of prokaryotic cellular components until then i have a question for you what determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing